भागलपुर पुलिस ने टॉप 10 की सूची में शामिल एक अपराधी को तेलंगाना से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इसको लेकर भागलपुर SSP आनंद कुमार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 गंभीर कांडों में शामिल टॉप 10 अपराधी शाहजहां उर्फ पाशा के गिरफ्तारी की जानकारी दी। SSP ने कहा कि भागलपुर पुलिस द्वारा 50,000 के इनामी अपराधी पाशा को भागलपुर पुलिस ने तेलंगाना पुलिस की मदद से हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। SSP ने बताया कि पाशा पर हत्या, डकैती, विस्फोटक अधिनियम, आर्म्स एक्ट के कुल 5 मामले पूर्व से ही दर्ज हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पिछले 8 महीने से स्पेशल टीम काम कर रही थी, जबकि तेलंगाना जाकर रेकी करने के बाद पुलिस को यह सफलता मिली है। भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान है लगातार जारी है, और इस क्रम में भागलपुर पुलिस के द्वारा 2 बड़ी सफलता अर्जित की गई है और एक टॉप 10 में शुमार एक अपराधी जिसका नाम शाहजहां और पासा है, और इसके ऊपर पूर्व से 5 कांड, हत्या, डकैती, विस्फोटक अधिनियम, आर्म्स एक्ट के तहत कुल 5 मामले पूर्व से दर्ज हैं और वो भागलपुर जिला के टॉप 10 के अपराधियों की सूची में भी शामिल है। उसकी गिरफ्तारी भागलपुर पुलिस की टीम के द्वारा तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से सुनिश्चित की गई और उसको अभी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पिछले 8 महीनों से लगातार पुलिस काम कर रही थी और इसमें हम लोग की जो स्पेशल टीम थी जिसमें DIU प्रभारी रंजीत और कुछ अन्य पदाधिकारीगण इसमें शामिल थे, जो कि तेलंगाना जाकर इसके छुपने के ठिकाने की रेकी किए और इसको वहां से गिरफ्तार करके लाया गया है। वहीं दूसरे मामले को लेकर SSP ने बताया कि कुछ अपराधियों द्वारा स्टेशन से किराए पर ले जाकर एक टोटो को संत टेरेसा स्कूल के समीप हथियार के बल पर लूट लिया गया था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए भागलपुर पुलिस ने लूटे गए टोटो सहित इस कांड में शामिल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन और टोटो की स्टेपनी भी बरामद की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में CTSP राज समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। को भागलपुर रेलवे स्टेशन से कुछ लोग किराए पर ले जाके सेंट टेरेसा स्कूल के पास ले जाकर उस टोटो को हथियार के बल पर लूट लिया गया था। उसमें भी पुलिस ने 4 दिनों के भीतर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और जो लूटा हुआ टोटो है उसकी बरामदगी की गई है, टोटो की स्टेपनी भी बरामद हुई है और साथ में 5 मोबाइल की बरामदगी हुई है। इस प्रकार इस पूरे लूट कांड का लूटे हुए संपत्ति की बरामदगी सहित और इसमें अपराध कारित करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इस पूरे लूट कांड का पर्दाफाश किया गया है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा 2 बड़ी सफलता आज के डेट में अर्जित की गई। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर बुधवार को सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारी की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी, SSP आनंद कुमार और नवगछिया SP पूरन कुमार झा शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि जिले में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने को लेकर कई बिंदुओं पर सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, जिससे चुनाव में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो और किसी भी परिस्थिति के लिए प्रशासन एवं अधिकारी तैयार रहे। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आम चुनाव के माध्यम से नई सरकार चुनी जाती है, जो देश के साथ आम नागरिकों के अधिकार और ताकत को दर्शाता है। DM ने कहा कि नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर रहे, इसके लिए भी प्रशिक्षण एवं कई तरह के जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही DM ने कहा कि भागलपुर में बड़ी तादाद में वोटर्स हैं, ऐसे में जो भी वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं कर रहे, जबकि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। मेरे SSP साहब एवं SP नवगछिया के द्वारा अभी समस्त हमारे जितने सेक्टर दंडाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं सभी को ब्रीफ किया गया है और उसमें कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हैं, क्योंकि सेक्टर का काम कई रोल पे होता है, एक तो इलेक्शन से पहले, दूसरा इलेक्शन की अवधि में और ख़ास करके पोलिंग से एक दिन पहले और पोलिंग के डेट में सभी को विस्तार में बताया गया है। और इसमें हमने फोकस किया है कि लगभग इस ज़िले में 43% ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं करते हैं, तो हमने कहा है कि आप उसका कारण पता कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए
और ये पता कीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो वोटर को कभी बाधा तो नहीं डाल रहे हैं, परेशान तो नहीं कर रहे हैं, या ऐसे कौन से लोग हैं जो विवाद पैदा कर सकते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो उस दिन हंगामा हो सकता है उस इलाके में या हमारे किसी भी रूप में हमारे पोलिंग पार्टी को या हमारे बूथ को या हमारी आम जनता को प्रभावित कर सकती है, उनकी सूची बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त मैंने कहा है कि प्रत्येक बूथ पर 40 वोटर की आप सूची बनाइए जो युवा हो, और जो युवा हो नए मतदाता बने हो, ताकि वो लोगों को जागरूक करें वोट करने के लिए। थर्ड, हमने ये भी कहा है कि यदि कोई वोटर छूट गया जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वो भी उनके संज्ञान में आता है, तो उसकी सूची बना करके हमें दें, ताकि सभी लोगों को हम इस वोटर लिस्ट में जोड़ करके और सभी लोगों से आग्रह करें कि वो मतदान करें। भागलपुर के कंपनीबाग स्थित बिहार बाल भवन किलकारी भागलपुर में बुधवार को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के फिनाले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 27 फरवरी से शुरू हुई विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता 2024 का समापन बुधवार को हुआ, जिसमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी के साथ मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी भी किलकारी बाल भवन पहुंचे, जहां डीएम ने प्रदर्शनी को देखा और बच्चों के साथ संस्थान के सदस्यों को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इधर किलकारी के कार्यक्रम समन्वयक ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ने के साथ कार्य क्षमता भी विकसित होती है। इस दौरान बच्चों ने विज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर मॉडल से जुड़ी जानकारी अतिथियों और सभी विजिटर्स को दिया। इधर जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बच्चों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी की भरपूर सराहना करते हुए कहा कि सभी बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। साथ ही डीएम ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और इन्हें इस तरह से गाइड करना चाहिए जिससे ये अपने रुचि के अनुसार अपना करियर चुन सकें। वहीं मौके पर अन्य स्कूलों के छात्र छात्रा, प्रशिक्षक और आम लोग मौजूद रहे। समस्त बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सोच के लिए, उनके विचार के लिए, कि जिन्होंने जो कि आम जीवन में जितनी समस्याएं हैं उस पे बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे जल जीवन हरियाली, सुखता पे फोकस, जल को कैसे संरक्षण करें। कुछ बच्चों ने रॉकेट बनाया था, कुछ बच्चों ने पृथ्वी को दिखाया कि हम कैसे हमारी पृथ्वी बदल रही है, कुछ बच्चों ने दिखाया कि जो सौर मंडल को है इसके बारे में, कुछ बच्चों ने अपने घर को हम कैसे बेहतर रख सकते हैं ऐसे ड्रेन के बारे में दिखाया। सभी बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में DSP मंगलेश कुमार के नेतृत्व में अनुमंडलीय स्तरीय एवं सीमावर्ती इलाकों के थानाध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक की गई। बैठक में DSP ने सभी थानाध्यक्षों को आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए टॉप 10 की सूची में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी एवं सीमावर्ती इलाकों में गश्ती बढ़ाते हुए शराब माफियाओं पर नकेल कसने का दिशा निर्देश दिया। इस दौरान SDO विपिन सिंह, चंदन कुमार सहित सुल्तानगंज, खड़कपुर, तारापुर, बांका, अमरपुर, शाकुंड एवं बाथ थाना के थानाध्यक्ष व SDPO मौजूद थे। 2024 के अंतर जिला मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं हूँ और उसके अलावा
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका, बेलहर, हवेली खड़गपुर, तारापुर हैं। इसके अलावा जो भी थाने जो सीमावर्ती थाने हैं दोनों तीनों ज़िलों के, वो सभी थानाध्यक्ष भी हैं। और इसमें खास करके कुछ बिंदुओं पे जो हम लोगों ने चर्चा किया उसमें था कि जो भी हमारे सीमावर्ती अपराधियों की सूची है उसका आदान प्रदान हम लोगों द्वारा किया जाएगा। नहीं, जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो भी अपराधी हैं जो सक्रिय हैं अपराध में, उनके ऊपर हम लोग चर्चा हुई कि सूची का आदान प्रदान होगा। उसके अलावा जो भी हमारे अंतर जिला के चेक पॉइंट्स हैं उसको हम लोग स्थापित करके और वहाँ पे लगातार निगरानी रखी जाएगी और सघन वाहन जाँच होगा, हर तरीके से हम लोग वहाँ अलर्ट रहेंगे। साथ ही साथ जो भी अवैध खनन के हॉटस्पॉट हैं, चाहे ऐसे जो भी क्षेत्र हैं जहाँ अपराधियों की गतिविधि ज़्यादा रहती है उसके ऊपर लगातार निगरानी रखी जाएगी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर बुधवार को भागलपुर बरारी स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के सभागार में अंतरिक्ष में लगातार बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुए प्रदूषण विषय पर भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 5 प्रतिभागियों ने अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण जरूरी विषय पर अपना पक्ष रखा, जबकि 5 प्रतिभागियों ने अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण से होने वाले स्पेस वेस्ट को रोकने के लिए अपनी बातें रखी। वहीं विद्यालय के प्राचार्य सह सहायक क्षेत्रीय अधिकारी रमेश चंद्र शर्मा ने बच्चों को विज्ञान की उपयोगिता एवं वर्तमान में अंतरिक्ष रिसर्च के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। प्रतियोगिता के निर्णायक की भूमिका में विज्ञान शिक्षक मनोज कुमार मिश्रा एवं सामाजिक विज्ञान शिक्षक मनीष कुमार थे। मौके पर डॉक्टर विमलेश झा, आशुतोष कुमार, सुदर्शन झा, पूनम सिंह समेत विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्रा मौजूद रहे। भागलपुर सुल्तानगंज के मुंशी पट्टी में बुधवार को विशेष महिला और बच्चा कोषांग भागलपुर एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के तत्वाधान में महिलाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान विशेष महिला और बच्चा कोषांग से आई डॉक्टर ज्योति जायसवाल और विंदु शर्मा ने महिलाओं को महिला हिंसा के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही डायल 181 के विषय में भी बताया। वहीं समाजसेवी पितुल कुमार ने जागरूकता अभियान के लिए विशेष महिला और बच्चा कोषांग की टीम का आभार व्यक्त किया। इधर भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन से मधु कुमारी ने कहा कि विशेष महिला और बच्चा कोषांग भागलपुर के द्वारा बहुत सारी महिलाओं को सम्मान व इंसाफ मिला है। मधु कुमारी ने मुख्यमंत्री बिहार से बिहार के सभी जिले में विशेष महिला और बच्चा कोषांग खोलने की मांग की है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल सके। वहीं दूरभाष पर पत्रकारों से बातचीत में भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के निर्देशक डॉक्टर मनीष मिश्रा ने कहा कि मिशन हमेशा से महिला हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाता रहता है और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करता रहेगा। इस अवसर पर पूर्व वार्ड पार्षद सियाराम शर्मा, सिकंदर पासवान, विपिन मंडल समेत काफी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद थे।